तो आपको दोबारा रोजगार देंगे। तो एमआईटीसी के सभी कर्मचारियों को दोबारा रोजगार दिया, और उसमें सबसे ज्यादा नारायणगढ़ के जादपुर के ज्यादा थे, इसलिए उस लड़ाई को भी लड़ा। उससे पहले और भी जो बातें सामने आई, अगर सारी बातों का जिक्र करने लगे, क्या शुगर मिल का हाल था, यहाँ बेरोजगारी की समस्या थी, जो 10 साल का समय आपने हमें दिया उसमें हमने प्रयास किया कि यहाँ पे खुशहाली आए, भाईचारा बना रहे, और जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो सरकार को अवगत करा के उनको दूर किया जाए। गैस टीचरों की लड़ाई थी, उसको भी हमने ईमानदारी से उस टाइम लड़ा था। और जैसे हमारे पूर्व चेयरमैन अमित वाडिया जी बता रहे थे कि हमारे समय में यहाँ पे शांति प्रिय तरीके से कोशिश की गई कि नारायणगढ़ में सफाई भी रहे और नारायणगढ़ की तरक्की। आज मुझे लगता है, अंदाजे से मैं बताऊं तो नगर पालिका आपके कमेटी को बने हुए दोबारा 2 साल के करीब हो गए, पर 2 साल में क्या हालात हैं आज? आज अगर मैं पूछूं कि आपके चेयरमैन कौन है तो बात नहीं होगी। कमेटी के लोगों को, आपके एमसीओ को हाईकोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, इतनी जिद्दबाजी, इससे क्या शहर का नुकसान भी है? अच्छा, आपके सामने हालात है। और मैं आप सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि लंबे भाषण देने की जरूरत नहीं, जितने शब्द आपने कहे एक एक शब्द का मैं समर्थन करता हूं। कांग्रेस और जो आपने बातें की इन्होंने भी ऐसी सरकार आने से पहले वादे किए थे, एक कलम से पक्का कर देंगे, गैस टीचरों को लगा देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, 9,000 रुपया भत्ता दे देंगे, पेंशन दे देंगे, अगर सारी मांगे देखे, इनका मांग पत्र देखे तो मेरे ख्याल 154 के करीब वादे। आज हालात ये हो गए देश में, प्रदेश में एक वादा पूरा नहीं। अभी नई नई योजनाएं लेके आते हैं, मेरे किसान भाई भी यहाँ, इस योजना का नाम भी क्या रखा था, भावांतर योजना कुछ ऐसा कि उसके अंदर सब्जी का भाव हम देंगे, किसान का हाल देख लो, आज टमाटर कोई तोड़ने को तैयार नहीं है, कोई योजना की कामयाब नहीं होगी, ना तो कोई नजरिया है ना तजर्बा है, खाली एक काम ये जरूर जानते हैं कि कौन सा लगा हुआ है, किसको हटाना, हटाने का काम जरूर करते हैं। आज अगर कच्चे कर्मचारी अगर चाहते हैं कि हमें समय के अनुसार पक्का होना चाहिए तो क्या दिक्कत है, कर देना चाहिए। आज जो पक्के कर्मचारी मांग करते हैं कि हमें जो सहूलत मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो सहूलत दी जाए, तो उसमें क्या दिक्कत है? सरकार घाटे और मुनाफे के लिए नहीं बनाई जाती, ये सरकार तो सिर्फ ये सोचती है कि हमारी सरकार नहीं घर की दुकान होगी, अच्छे दिन का वादा करके झूठ बोल के वोट तो ले ली, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 3.5 साल का अर्सा तो बीत गया, जो 1.5 साल का अर्सा है इसको, ये बुरे दिनों में है, अब तो लोग ये जो अच्छे दिन की बात भूल गए, अब तो ये बात करते हैं कि ये बुरे दिन कब खत्म होंगे। आपकी जो आपकी लड़ाई है उसमें हमारा समर्थन है, पर मेरा एक अनुरोध जरूर है, जो हमारे भाई डाक साहब ने एमसी साहब का जुड़ान था, इन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी आपकी है शहर के प्रति उसमें भी कोताही नहीं होनी चाहिए, कि शहर का आपको पूरा समर्थन है, आज शहर का हर आदमी आपके साथ है, वो चाहता है कि भाई हमारे कर्मचारी भाई